वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चेक करने वाले। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2391 पे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दी थी। तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो प्रीवियस क्लोजिंग के साथ ही यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था फ्राइडे के दिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक। तो रिलायंस इंडस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप जो है 16 लाख करोड़ के ऊपर अभी स्टेबल है। मार्केट कैप में गिरावट बहुत सी देखने को मिली थी लास्ट 1 मंथ के अंदर। तो पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में तकरीबन 1% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। और 1 मंथ की बात की जाए तो लास्ट 1 मंथ में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 323 पॉइंट की गिरावट, तकरीबन 11 से 12% की टोटल गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री की न्यूज़ भी चेक करेंगे तो न्यूज़ के ऊपर नज़र डाली जाए तो रिसेंटली देख सकते हैं 3 डेज एगो की न्यूज़ है। करंटली कोई खास न्यूज़ नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाट इज ग्रीन, व्हाई रिलायंस एंड अदानी ग्रुप आर इन्वेस्टिंग इन इट। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अदानी ग्रुप भी कर रहा है। तो कोई खास न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही। रिलायंस बैक टू रिकवरी स्केल्स, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कोई खास न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही रिलायंस स्टॉक के अंदर। तो चार्ट पे नजर डाली जाए तो रिलायंस का चार्ट पे नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि रिलायंस स्टॉक के अंदर कैसी मूवमेंट देखने को मिली है। तकरीबन रिसेंटली इस मंथ में 24 सपोर्ट 1 के नीचे सेटल है। मंथली सपोर्ट 1 जो है वो 2420 लेवल की है, उसके नीचे भी रिसेंटली ट्रेडिंग करा है। नीचे देख सकते हो कि तकरीबन 2370 लेवल जो है यहाँ पे सपोर्टिव एक्ट हो रहे हैं रिलायंस स्टॉक के लिए। तो वो लेवल ब्रेक होती है तो और नीचे जाने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं रिलायंस स्टॉक के अंदर 2300 लेवल तक। तो ये थे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स रिलायंस स्टॉक के लिए।